तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं मटका पॉपकॉर्न। मटका पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे मक्की के दाने ले लिए हैं और अब हम रख देते हैं मटका चूल्हे के ऊपर बनाएंगे इसको। तो चूल्हा हमारा बिल्कुल रेडी है, चूल्हा जल गया है, तो अभी इस चूल्हे पे हम रख देते हैं ये हांडी। तो ये मिट्टी वाली हांडी है। तो फिर पॉपकॉर्न बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं, घी या मक्खन आप कुछ भी डाल सकते हो। तो घी मैंने इसमें डाल दिया है, तो घी हमारा मेल्ट हो जाए। तो घी हमारा हो गया मेल्ट, तो इसी में हम डाल देंगे ये नमक और थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें हल्दी। अब इसको हम पॉपकॉर्न को डाल देते हैं। पॉपकॉर्न डालने के बाद हम इसको मिला देंगे, थोड़ा बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो जो है मटकी हमारी गरम हो जाएगी और पॉपकॉर्न इस तरीके से चटकने लग जाएंगे। तो बढ़िया से मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देते हैं, तो 2 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर उसके बाद इसमें आवाज आने लग जाएगी खुद पे खुद। तो ये बहुत देसी तरीका है पॉपकॉर्न बनाने का। तो आप सुन सकते हो इसमें जो है आवाज आ रही है चटकने की। तो हल्का सा इसको हम खोल के देख लेते हैं किस तरीके से बन रहे हैं। ओहो बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास तैयार हो रहे हैं ये। तो इसको ढक लेते हैं दोबारा से। जो पॉपकॉर्न हमारे बहुत ही बढ़िया मसालेदार रेडी हो गए हैं। तो मटका हमारा काफी गर्म है, इसको हम उतार लेते हैं नीचे। तो हम इसको चूल्हे के नीचे रखेंगे, उसके बाद भी ये जो बचे कुचे हैं इसके अंदर वो भी देखो चटक रहे हैं अपने आप ही। तो देख सकते हो आप चूल्हे से उतारने के बाद भी इसमें बनते ही जा रहे हैं अपने आप। तो कितना बढ़िया तरीका है ये पॉपकॉर्न बनाने का, बिल्कुल देसी अंदाज में। ढक देती हूँ नहीं तो ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे, उछल के ये ऊपर की तरफ गिरे जा रहे हैं। तो बच्चों को अभी मैं दूंगी खाने के लिए, तो खा के बताना इसका टेस्ट कैसा है। तो इसको मैं पलट लेती हूँ एक बड़ी सी परात में। आप देख सकते हो कितने बढ़िया से ये बहुत सारे पॉपकॉर्न हमारे बन गए हैं, हल्दी वाले और घी वाले। घी या मक्खन हम कुछ भी डाल सकते हैं, एकदम गर्मा गर्म पॉपकॉर्न ठंड के मौसम में बहुत ही मजा आने वाला है आज बच्चों को। तो ये हमने सबने थोड़े थोड़े टेस्ट करके देख लिए हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, मसालेदार बिल्कुल ही नमकीन और गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार बना के देखिएगा ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी चूल्हे पे बनाने की। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, तो साथ में बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।